हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, आज हम डिटरमिनर्स के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरा चैनल जो है लर्नर स्क्वायर, इस पर आप जाके यहाँ देखिए टॉपिक है डिटरमिनर्स। इसको हमने पढ़ा था, टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स पढ़ा था, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी किए थे और आज हम इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी अपडेट्स इस वीडियो पे आए, सॉरी इस चैनल पे आए, जो भी आपको नए नोटिफिकेशंस हो वो आपको मिल सके और आप हमसे जुड़ सके। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए, नाउन एंड दैट डिटरमिनर्स, आज हम ये चीज पढ़ेंगे, नाउन और उनके साथ जो डिटरमिनर्स यूज होते हैं वो कैसे होते हैं। डिटरमिनर्स कम बिफोर नाउन, दे आर चूजन डिपेंडिंग ऑन वेदर द नाउन दे आर इंट्रोड्यूसिंग इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल। देखिए स्टूडेंट्स, डिटरमिनर्स जो है वो नाउन के बिफोर में आते ही हमने अपने पिछले वीडियो में ही देखा था, लेकिन वो किस चीज पे डिपेंड करते हैं कि वो किस चीज के साथ में, कौन से टाइप ऑफ नाउन के साथ, अनकाउंटेबल या काउंटेबल, कौन से नाउन के साथ यूज हो रहा है। देखिए स्टूडेंट, नाउन से याद है, मेरे चैनल पे नाउन का भी बहुत ही अच्छा वीडियो है। बहुत ही कम टाइम में आप बिल्कुल डिटेल में नाउन को समझ सकते हैं। आप चैनल पे जाके वो वीडियो जरूर देखें। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। काउंटेबल नाउन, द काउंटेबल नाउन इज क्लियरली सेपरेटेड यूनिट, ओ यहाँ स्पेस नहीं है, विच कैन बी इजिली काउंटेड, यहाँ स्पेस छूट गया स्टूडेंट्स। देखिए, काउंटेबल नाउन क्या है, जो ऐसी चीज है, काउंटेबल नाउन ऐसी चीजों को हम कह सकते हैं जिनकी यूनिट जो है वो क्लियरली सेपरेट की जा सके या उसको इजिली काउंट किया जा सके। ऐसे यूनिट को क्या हम कहते हैं, ऐसे थिंग को क्या हम कहते हैं, काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, टेबल, स्टूडेंट, हॉर्स, आइडिया, थॉट, पर्सन, चिल्ड्रेन, सॉरी चाइल्ड, एक्सेट्रा, जो भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं आप अपने जनरल लाइफ में, अपने डेली लाइफ में, अपने अगल बगल में इस चीज को देख सकते हैं कि ये चीजें कैसी चीजें हैं जिसे हम काउंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी नेक्स्ट, दिस आर काउंटेबल सिंगुलर नाउन। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या है ये टेबल, स्टूडेंट, ये सब क्या है, सिंगुलर नाउन है, ये प्लूरल नाउन नहीं है। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, टेबल्स, स्टूडेंट्स, हॉर्स, आइडियाज, पीपल, चिल्ड्रेन, एक्सेट्रा, ये क्या है, काउंटेबल तो है लेकिन कौन से नाउन हो जाएंगे, प्लूरल नाउन हो जाएंगे। जैसे हम लोग बचपन से ये चीजें जानते आए, जिस भी चीज के साथ एस लग जाता है, ई एस लग जाता है, वो सेंटेंस क्या हो जाता है, वो वर्ड क्या हो जाता है, प्लूरल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन सा नाउन हो जाएगा, प्लूरल नाउन है, काउंटेबल प्लूरल नाउन। नेक्स्ट देखते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन्स आर द थिंग्स विच कैन नॉट बी काउंटेड और समटाइम्स कैन बी काउंटेड बट विद डिफिकल्टी। अब देखिए, अनकाउंटेबल नाउन जो है वो क्या है, ऐसी चीजें हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। ये देखिए क्या लिखा है, ब्रैकेट में ये लिखा है कि समटाइम तो उसे हम काउंट कर सकते हैं, कभी कभी हम उसे काउंट कर सकते हैं लेकिन डिफिकल्टीज के साथ। अब देखो स्टूडेंट्स, आप कहोगे कि हेयर, जैसे हम कहते हैं ना बाल गिन के दिखाओ, तो अगर वो थोड़े से हैं, छह सात बाल हैं, तो आप काउंट करके बता सकते हैं, लेकिन अगर वो ज्यादा है तो उनको काउंट करना क्या होता है, मुश्किल होता है। उनको काउंट तो कर सकते हैं लेकिन उनको काउंट करना मुश्किल होता है। ऐसे चावल के दाने, गेहूं के दाने, ये सब क्या चीजें हैं, काउंटेबल तो है, काउंट किया जा सकता है लेकिन उनको काउंट करना मुश्किल होता है। शुगर है, शुगर में तो एक एक दाने होते हैं, आप कहेंगे कि मैं काउंट कर लूंगा, ठीक है आप काउंट कर लेंगे, मुश्किल से 10-20 ऐसे काउंट कर लेंगे, लेकिन उनको काउंट करना क्या होता है, मुश्किल रहता है। ठीक है, और आर अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स लाइक नोशंस एंड फीलिंग्स। और देखिए, और क्या होते हैं अनकाउंटेबल नाउन में, क्या आता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन आता है, जैसे कि नोशंस और फीलिंग्स।
अनकाउंटेबल नाउन इंक्लूड्स लिक्विड मार्श एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए इसमें बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको सब कुछ समझाने की कोशिश की गई है, ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए और समझिए। अनकाउंटेबल नाउन किस चीज को इंक्लूड करता है अपने साथ, लिक्विड को, मार्श को और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, वाटर, ऑयल, शुगर, सैंड, हैप्पीनेस, हेयर एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स देखिए, वाटर इमेज बनाइए अपने दिमाग में, क्या आप कभी पानी को काउंट कर सकते हैं? क्या आपने कभी काउंट किया है? नहीं किया। ऑयल को काउंट किया है? नहीं किया है। शुगर को काउंट किया है? नहीं किया है। तो ये सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है और इनके साथ भी डिटरमिनर्स यूज होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, एन अनकाउंटेबल नाउन कैन बी मेड काउंटेबल इफ द नेम ऑफ ए कंटेनर अ मेजरमेंट इज An uncountable noun can be made countable if the name of a container, a measurement scale or a phrase like a piece of is put before it। अब देखिए अनकाउंटेबल भी नाउन भी क्या हो सकता है, काउंट हो सकता है अगर उसे काउंटेबल बनाया गया हो, ठीक है। अगर उसे कोई कंटेनर का नाम दिया हो, कोई मेजरमेंट स्केल के द्वारा मतलब उसकी कोई प्रॉपर यूनिट दी हुई हो या उसके सामने कोई ऐसे फ्रेजेस लगे हो जैसे कि क्या है, अ पीस ऑफ। देखिए फ्रेज और क्लॉज इसका भी वीडियो मेरे चैनल पे, हाँ उसको भी देख सकते हैं अगर आपको पता नहीं है कि फ्रेज किसे कहते हैं, या फिर आपके लिए भी वो वीडियो काफी हेल्पफुल होगा। उसमें बहुत ही डिटेल और बहुत ही शॉर्ट में आपको फ्रेज और क्लॉज के बारे में बताया गया है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। अब बॉटल ऑफ वाटर, अब देखिए बॉटल ऑफ वाटर, वाटर को एक कंटेनर मिल गया जिसमें वो रखा हुआ है, बॉटल में रखा हुआ है वाटर। अगर हम दो बॉटल, तीन बॉटल कहें कि हमने पानी रखा है, तो यहाँ क्या हो जाएगी, इसकी क्वांटिटी जो है वो मेजर की जा सकती है क्योंकि उसको एक प्रॉपर कंटेनर मिला। अ जार ऑफ इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट कॉफी का एक जार है। अब जार भी हम तीन चार रख देंगे, किसी को कहेंगे ब्रिंग फोर जार्स ऑफ इंस्टेंट कॉफी, तो यानी हमने क्या उसको काउंट किया, क्यों किया, क्योंकि उसके साथ प्रॉपर कंटेनर है। अ स्लाइस ऑफ केक, देखिए केक की जो स्लाइस है, ठीक है, स्लाइस ऑफ केक, केक में स्लाइस है, उसको भी काउंट कर सकते हैं। पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अब आप कहेंगे कि हम इंफॉर्मेशन को कैसे काउंट कर सकते हैं, लेकिन अब पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर एक इंफॉर्मेशन हमें मिली, दो इंफॉर्मेशन मिली, तीन इंफॉर्मेशन मिली और उसके साथ एक फ्रेज लगा हुआ है, कौन सा फ्रेज लगा है, अ पीस ऑफ, ये फ्रेज लगा हुआ है, इसकी वजह से इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे काउंटेबल बन गया है। ओके की टू रिमेम्बर, अब देखिए कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं डिटरमिनर्स के बारे में जिसे आपको हमेशा रिमेम्बर करना है, याद करके रखना है। अगर इन छोटी छोटी पॉइंट्स को आप अपने दिमाग में रखते हैं तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चंस डिटरमिनर का आप कभी गलत कर ही नहीं सकते, मैं गारंटी देती हूँ उस चीज की। वर्ड्स दैट आर यूज टू स्पेसिफाई अ नाउन और अ नाउन फ्रेज आर नोन एज डिटरमिनर्स, दे डिटरमाइन और मार्क नाउन्स Often in terms of quality and position। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में ही आपको बताया था ऐसे वर्ड जो नाउन को स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है, या नाउन फ्रेज को स्पेसिफाई करते हैं, उन्हें हम डिटरमिनर्स कहते हैं। वो किस चीज, किस बेस पे उसको स्पेसिफाई करते हैं, उसकी क्वालिटी के बेस पे, ठीक है, उसको मार्क करते हैं, उसको पोजिशन देते हैं, ठीक है। डिटरमिनर्स जो है वो नाउन, नाउन फ्रेज को क्या करते हैं, क्वालिटी के बेस पे स्पेसिफाई करते हैं, मार्क देते हैं उसको और उसको पोजिशन देते हैं, तो इसलिए वो क्या कहलाते हैं, डिटरमिनर्स कहलाते हैं। डिटरमिनर्स क्या कहलाते हैं, आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया हो। सेकेंड पॉइंट देखिए, डिटरमिनर्स स्पेसिफाई एंड क्वांटिफाई नाउन एंड नाउन फ्रेज। देखिए डिटरमिनर्स जो है वो स्पेसिफाई और क्वांटिफाई करता है किसको, नाउन और नाउन फ्रेज को, ठीक है। स्पेसिफाई मतलब कि उसकी कुछ स्पेशलिटी को बताता है, क्वांटिफाई मतलब कि उसकी क्वांटिटी के बारे में बताता है। ओके नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डिटरमिनर्स ऑलवेज प्रीसीड द नाउन और नाउन फ्रेज। अब देखिए स्टूडेंट्स, डिटरमिनर जो है वो हमेशा नाउन और नाउन फ्रेज के को प्रीसीड करता है, मतलब कि उसके पहले लगता है। हम कहेंगे ए चेयर, क्या कहेंगे हम, ए चेयर, हम ये नहीं कहेंगे चेयर, चेयर ए,
ठीक है, पहले हम ए लगाएंगे चेयर के सामने, बाद में ए नहीं लगाएंगे। हम ए के सामने, सॉरी चेयर देखिए एक नाउन है, हम इसके पहले ए लगाएंगे, ठीक है। चेयर के बाद अगर हम ए लगाते हैं, मान लीजिए चेयर, चेयर के बाद हम ए लगाएंगे और पहले नहीं लगाएंगे, तो ये डिटर्मिनर्स नहीं कहलाएगा। डिटर्मिनर्स हमेशा नाउन और नाउन फ्रेज को प्रिसीड करता है, मतलब कि हमेशा नाउन और नाउन फ्रेज के पहले लगता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मोस्ट कॉमन डिटर्मिनर्स आर आर्टिकल्स ए एंड एंड द। अभी कि सबसे कॉमन डिटर्मिनर्स क्या है, आर्टिकल्स है। हमने देखा था कि इंग्लिश लैंग्वेज में लगभग 50 डिटर्मिनर्स हैं, लेकिन सबसे कॉमन जो डिटर्मिनर्स है वो क्या है, ए एन और द है। ए हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड के पहले यूज होता है, एन हमेशा वॉवल साउंड के पहले यूज होता है, और द जो है वो स्पेसिफिकेशन पोजिशन के लिए यूज होता है। द टाइप ऑफ डिटर्मिनर यूज डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ नाउन। अब देखिए डिटर्मिनर का जो टाइप है, हमने फर्स्ट वीडियो में ही डिटर्मिनर्स के टाइप को देखे हैं, लेकिन डिटर्मिनर का जो टाइप है वो उसका यूज किस चीज पे डिपेंड करता है, नाउन के टाइप पे डिपेंड करता है। हमने इससे पहले अभी ऊपर के स्लाइड्स में देखा था कि अनकाउंटेबल नाउन काउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल होते हैं, उनका यूज जो है वो उस पर डिपेंड करता है। सिंगुलर नाउन ऑलवेज नीड अ डिटर्मिनर। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा आपको याद रखना है, सिंगुलर नाउन जो है वो उसको हमेशा डिटर्मिनर की आवश्यकता पड़ती है। सिंगुलर नाउन के साथ डिटर्मिनर्स हमेशा होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर से जरूर रिमेम्बर रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्लूरल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन्स द डिटर्मिनर इज यूज्ड ओनली इफ द नाउन नीड्स टू बी स्पेसिफाइड। अब देखिए ये दो पॉइंट एकदम जरूरी है आपको याद रखने के लिए, सिंगुलर नाउन के साथ डिटर्मिनर कंपलसरी है, हमेशा यूज होगा, लेकिन प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ डिटर्मिनर तभी यूज होगा जब उसकी जरूरत होगी स्पेसिफाइड होने की, मतलब कि जब भी अगर उस नाउन को जरूरत है स्पेसिफाइड होने की तभी उसके सामने डिटर्मिनर यूज होगा, नहीं तो नहीं यूज होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि जो भी पॉइंट्स हमने अभी पढ़े हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आ गए हैं। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक से मोटिवेशन मिलता है, कमेंट कर दीजिएगा, आपके लाइक कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स बनाकर मैं और भी लाने की कोशिश करूंगी। फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट डिटर्मिनर्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। देखिए ये फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस हैं, और यहाँ देखिए ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें उन ऑप्शंस को यूज करके जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं उनको फिल करना है। अब आप लोग फटाफट से आंसर कमेंट में बताएंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, प्लीज ब्रिंग मी डैश फ्लावर्स, आंसर दीजिए। देखिए क्या होगा यहाँ पे, दोज फ्लावर, दिस फ्लावर नहीं होगा, क्या होगा, दोज फ्लावर। नेक्स्ट देखिए, देयर इज डैश टू डू इन द कंट्री साइड। अब देखिए इस क्वेश्चन में लिटिल यूज होगा या लिटिल ऑफ यूज होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आंसर आप लोग जल्दी जल्दी दीजिए। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है लिटिल, ये ऑप्शन सही होगा। द डॉक्टर एडवाइज मी टू ईट डैश फूड्स एवरी डे। डॉक्टर ने एडवाइस किया है फूड्स खाने के लिए। अब इस सेंटेंस में कौन सा डिटर्मिनर यूज होगा, मच यूज होगा या मोर यूज होगा, आंसर फास्ट स्टूडेंट्स, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। यस गुड। देखिए यहाँ पे क्या होगा, मोर फ्रूट्स, ओके, मच नहीं होगा,
मोर होगा। मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए ये छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं ना, लिटिल, फ्यू, अ लिटिल, अ फ्यू, द लिटिल, द फ्यू, मच, मोर, इन सब के बीच का जो यूज होता है, इन सब के बीच का जो डिफरेंस होता है, उस पर वीडियो बहुत ही जल्द बनाने वाली हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देर आर 8 स्टूडेंट्स इन द लाइब्रेरी। अब जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए, फ्यू होगा या सम होगा। आंसर फास्ट स्टूडेंट्स, कौन सा डिटरमिनेंट यहाँ पे यूज होगा। आंसर फास्ट। देखिए यहाँ पे क्या होगा, फ्यू होगा। ओके, देर आर फ्यू स्टूडेंट, देर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स इन द लाइब्रेरी। सम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देर आर नॉट टैस पीपल एज काइंड एज ही इज। मतलब कि ऐसे लोग नहीं है दुनिया में इतने काइंड जैसे कि ये है। इसके सामने देखिए मेनी यूज होगा या मेनी ऑफ यूज होगा। क्या होगा, मैनी होगा। ठीक है, देर आर नॉट मैनी पीपल एज काइंड एज ही इज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देर इज ऑलवेज अ लॉट ऑफ मनी इन डैस बैंक। आंसर फर्स्ट स्टूडेंट्स, देर इज ऑलवेज अ लॉट ऑफ मनी इन डैस बैंक। बैंक नाउन है और इसके पहले कौन सा डिटरमिनर यूज होगा। आंसर फर्स्ट, ओके, द, कौन सा डिटरमिनर यूज होगा, द। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज डैस बुक डेट राम वॉन्टेड। क्या होगा, बुक यहाँ पे नाउन है और इसके सामने कौन सा डिटरमिनर यूज होगा, द यूज होगा या दैट यूज होगा। आंसर, आंसर डियर स्टूडेंट्स, द आंसर विल बी द। व्हाट विल बी आवर आंसर, द आंसर विल बी द। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश अल्टरनेटिव इज टू गो बाय रोड। अल्टरनेटिव के सामने कौन सा डिटरमिनर यूज होगा। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अनदर, अनदर डिटरमिनर यहाँ पे यूज होगा। ओके, नाउ आई एम फीलिंग डैश बेटर। एक क्वेश्चन में देखिए, नाउ आई एम फीलिंग डैश बेटर, यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, लॉट्स और मच। इन दोनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे अप्रोप्रिएट होगा, आप कमेंट में बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर, व्हाट विल बी मच बेटर। देर आर अ डैश कॉइन्स इन द मनी बॉक्स। ओके, सी हियर वी हैव गॉटन टू ऑप्शंस, सम एंड फ्यू, व्हिच विल बी एप्रोप्रिएट फॉर दिस ब्लैंक। आंसर मी फास्ट, द आंसर विल बी फ्यू। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया हो। आपको आज का सेशन कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। टर्नेट स्क्वाड को सब्सक्राइब करिए। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया हो। हमें कमेंट में बताइए आपको आज का सेशन कैसा लगा। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।